आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर कैसे वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। उसका एग्जिट एंट्री कैसे होती है, कौन कौन सा होस्ट वगैरह होता है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले होता है इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट यहाँ पे किसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई वगैरह हो गया, या फिर वायरस वगैरह हो गया, या फिर प्रोटोजोआ जो होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन एजेंट। वो कौन से, इन्फेक्शन का एजेंट है वो, वही जो बैक्टीरिया सी है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर फंजाई हो गया, या फिर उसके बाद ये जो होते हैं प्रोटोजोआस वगैरह जो होता है, ये सब कुछ जो होता है ये एजेंट होते हैं, ये इन्फेक्शन का एजेंट होता है। ओके, इन्फेक्शन एजेंट के बाद आता है यहाँ पे रिजर्वॉयर। मतलब का ये है, रिजर्वॉयर का मीनिंग यही है कि ये जो भी एजेंट जो है वो कहाँ पे ये अपने मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो होती है वो कहाँ पे होता है। रिजर्वॉयर मतलब कि कहाँ पे वो रिजर्व होकर रहता है, रिजर्व मतलब इकट्ठा, मतलब जहाँ पे वो लोग धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इनका, कहाँ पे ये लोग क्या करते हैं रिजर्वॉयर। जैसा अगर हम नॉर्मली जो है, अगर नॉर्मल लाइफ में अगर बोलते हैं, जैसे पानी बारिश का जो पानी जो है हम लोग इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेल वगैरह, ये जो कुआं हो गया, या फिर कोई भी एक क्या है पॉन्ड जो बोलते हैं, ये खड्डा वगैरह जो है वो खोद के रखते हैं ताकि क्या है कि वो जो पानी जो है, बारिश का जो पानी जो है वो बाद में यूज़ हो जाए। तो वैसे जो है रिजर्वर मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये जो एजेंट्स जितने भी हमने पढ़ा था अभी, बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह हो गया, या फिर प्रोटोजोआ वगैरह जो हो गया, ये कहाँ पर रहते हैं, रहने के बाद क्या है कि धीरे धीरे क्या है वहाँ पर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है। जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा क्या है और उस जगह पे फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिजर्वर के बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब कि जैसे कोई भी पेशेंट हो गया, पेशेंट या फिर कोई पर्सन हो गया, उस पर्सन के अंदर जो है वो ऑलरेडी ये जो एजेंट हमने भी पढ़ा था, जैसे बैक्टीरियास वगैरह, फंजाई वगैरह, कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है, तो वो क्या है कैसे एग्जिट लेता है रिजर्वर। जैसे कि इंसान के अंदर जो है ये जितने भी बैक्टीरियास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई या फिर कोई भी एक बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, वो इंसान के अंदर, कोई भी एक पर्सन के अंदर जो है वो एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद क्या होता है, एंट्री करने के बाद वहाँ पे वो ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन वैसा होता जाता है, उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये क्या होता है निकल के, मतलब कि ट्रांसमिट होता है किस पे, दूसरा हेल्दी पर्सन पे। इन्फेक्टेड पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन में क्या है ये इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है इन्फेक्शन, अगर कोई भी पर्सन जो है जो इन्फेक्टेड है उसके बॉडी से कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे ये बैक्टीरिया जो है वो कैसे एग्जिट लेगा उस बॉडी से, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है इन्फेक्शन फैल रहा है। तो फिर कैसा होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस किस रूट से फैलेगी, सबसे पहले तो स्किन में जितने भी पसीना वगैरह आता है उससे भी फैल सकता है इन्फेक्शन, और उसके बाद जीआई ट्रैक जो है, जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जीआई ट्रैक मतलब कि जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से लेके जहाँ से एनस से पूरा डाइजेशन होने के बाद जो स्टूल निकलती है वहाँ तक, तो पूरा वो जीआई ट्रैक होता है, एक वहाँ से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी क्या इन्फेक्शन जो है वो फैल सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो हम सांस लेते हैं या फिर स्प्यूटम जो हम खांसते हैं उसके थ्रू से, और दूसरा जो है वो ब्लड के थ्रू से भी हो सकता है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में भी हो सकता है, और दूसरा ये जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसमें कैसे, जैसे एसटीडी वगैरह हो गया, एचआईवी वगैरह जो होता है, तो ये क्या है, ये सारे सेक्सुअल डिजीज है। तो ये सारे जो है ये पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है एक इंसान, एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, बैक्टीरिया जो है, वो कैसे दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो होती है वो कैसे फैला होता है।
एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है कि पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है जिसने टॉवल यूज़ किया है, टॉवल में क्या है उसके कोई भी पसीना वगैरह जो है वहाँ पर वो यूज़ किया हुआ टॉवल जो है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी है, तो उस टॉवल को अगर कोई और पर्सन यूज़ कर ले तो इन्फेक्शन जो है ऐसा फैल सकता है। तो ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कि ये वाला जो हो गया यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कि एक हेल्दी पर्सन में, एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है एक हेल्दी पर्सन में कैसे इन्फेक्शन जो है वो फैला सकता है। तो एंट्री जो है बहुत जगह से हो सकती है, जैसे मैंने बोला अभी जब हम सांस लेते हैं तब भी हो सकता है, माउथ के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, तो बहुत सारे से तरीके हैं। तो पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो उसमें आ जाता है। उसके बाद है सस्पेक्टेबल होस्ट। सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब कि अभी क्या है, यहाँ से इन्फेक्शन जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन हो गया बंदे को, जो पर्सन जो है उसको, उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया, अब वो पर्सन क्या, जो हेल्दी पर्सन जो पहले था उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ गए, अब वो क्या है सस्पेक्टेबल होस्ट है। मतलब कि वो जो पर्सन जो है वो क्या है, तो ये जो है ससेप्टेबल होस्ट जो है ये जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, पहले ये हेल्दी पर्सन थे, बाद में क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो एंट्री होने के बाद जो है ये पर्सन जो है अब इन्फेक्टेड पर्सन है। तो ये चेन जो है वो ऐसा चलता रहेगा। तो आई होप कि आज का क्लास जो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू क्लास।